आज मैं एक बायोग्राफी इस पोस्टमा फिल्म का रिव्यू करने वाला। मूवी 1935 के टाइम को दिखाती है, जिसमें कुछ गरीब मजदूर लड़के जो बोटिंग के लिए सिलेक्ट होते हैं और उनका सफर ओलंपिक्स तक जाता है। अब वैसे तो ये मूवी एक टीम स्पोर्ट्स ड्रामा को दिखाती है, पर फिर भी मेकर्स ने सिर्फ एक ही बंदे की कहानी को दिखाई है जिसके इर्द गिर्द इस पूरी फिल्म को सेट किया गया है। अब ये लड़का जो 14 साल की उम्र में अनाथ हो चुका था और कैसे न कैसे वो अपने कॉलेज लाइफ में आता है और उसके पास ना ही रहने की जगह है ना ही पैसा जिससे वो कॉलेज की फीस भर सके। इसी वजह से वो पैसों के लिए एक बोटिंग टूर्नामेंट के लिए अप्लाई करता है और कैसे उसका सफर ओलंपिक तक जाता है। मूवी की स्टोरी रियल इंसिडेंट पर बेस्ड, जिसे मेकर्स चाहते तो और भी ज्यादा ले जा सकते थे। अब इस मूवी में बहुत से नेगेटिव पॉइंट है, जैसे 8 लोगों की टीम में सिर्फ एक ही बंदे की कहानी को हमें दिखाया है। साथ ही मूवी काफी सीरियस चलती है, जिसमें ऐसा कोई थ्रिलिंग पॉइंट नहीं आता जिससे आपके मन में कोई सवाल आए। अब होने को ये एक स्पोर्ट्स ड्रामा है जिसमें थ्रिलिंग मूवमेंट होने ही चाहिए थे। अब मेकर्स ने कोशिश तो की पर वो से उतना थ्रिलिंग नहीं बना सके। उसके ऊपर से मूवी में एक लव स्टोरी भी दिखाई है, वो भी मूवी के फेवर में काम नहीं करती है। अब मूवी की स्टोरी अच्छी थी जिसे मेकर्स उतने अच्छे से शायद दिखा नहीं पाए। इस मूवी में लड़कों के ऊपर गरीब और अमीरों वाला टेक भी लगा था। साथ ही नए नए इस गेम में आए थे, इनका कोच किसी भी कीमत पर ओलंपिक जीतना चाहता था। तो मूवी की बहुत सी बातें जो अच्छी थी पर वो कमाल मेकर्स नहीं दिखा पाए जो इस मूवी में हो सकता था। अब ऐसा नहीं है कि मूवी बुरी है, पर ये है कि मूवी आपको एक डिसेंट टाइम तो निकाल ही देगी। अब ये आपके देखने पर डिपेंड करता है कि आपको बायोग्राफी मूवीज देखना पसंद है या नहीं। अब बायोग्राफी मूवीज की खास बात होनी चाहिए थी वो आपको थोड़ा बहुत ही इंस्पायर कर जाए या आपको लगे कि भाई बंदे की लाइफ में दम था। अब इस मूवी के कैरेक्टर में हो सकता था कि ऐसा कुछ हो, पर ये मूवी उस चीज से बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं कर पाती। तो फाइनल ओपिनियन यही है कि अगर आपको बायोग्राफी मूवीज देखनी है जो आपका एक डिसेंट टाइम निकाल दे तो ये देख लेना, बाकी मूवी को स्किप भी कर दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।